दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं कि गोकुल धाम के पूरी की पूरी पुरुष मंडली ने पार्टी शार्टी का प्रोग्राम रखा है और जेठालाल ने सभी की पत्नियों से परमिशन भी ले लिया है। मगर यहां पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। पोपटलाल की दुल्हन बनकर कोई पोपटलाल के घर में आ चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये प्लान दरअसल पूरी की पूरी गोकुल धाम की महिलाओं का ही है जिन्होंने अपनी किसी सहेली को पोपटलाल की वाइफ बनाकर भेज दिया है। अब जो भी वो लड़की गई है उनका यही शर्त रहेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, अगर आपने पार्टी शार्टी किया तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। और इस तरह से पूरी की पूरी पुरुष मंडली की पार्टी शार्टी कैंसिल होने वाली है। दोस्तों बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है यहाँ पर गोकुल धाम की महिलाओं ने। अब पार्टी शार्टी करने तो नहीं देगा पोपटलाल, क्योंकि उन्होंने 14 साल तक शादी का इंतजार किया है, तो सिर्फ एक पार्टी शार्टी के लिए वो अपनी शादी को कैंसिल नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर लेडीज़ ने तो यहाँ पर प्रोग्राम को बिल्कुल भी कैंसिल कर दिया है। लेकिन अब देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि आगे क्या होने वाला है।